जिसके नाम से अपराधी भी खौफ खाते हैं, उसके हाथ जांच एजेंसियों ने काट दिए हैं। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जेल के अंदर से क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे बड़ी चोट हुई है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई और उसके करीबी विक्रम बराड़। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के दोनों हाथ काट दिए, जिसके भरोसे वो जेल के अंदर से अपना जुर्म का साम्राज्य चलाता था। वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए। सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले और सलमान खान को धमकाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की कमर टूट गई। ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी अजरबैजान से हुई, जबकि विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी यूएई से हुई। सात समंदर पार स्पेशल टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुर्गे उस जाल में फंस गए। हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई और उसके करीबी विक्रम बराड़ दोनों की क्राइम कुंडली आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे धरा गया सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई मूसेवाला केस के बाद फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से भाग गया था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम तिलक राज टुटेजा लिखा था और ये पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनवाया गया था। खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का ये रिश्तेदार पहले पासपोर्ट के जरिए दुबई गया, इसके बाद यहां से वो अजरबैजान निकल गया। पंजाब दिल्ली पुलिस के अलावा विदेश मंत्रालय भी इसकी तलाश में था। सचिन बिश्नोई के कुछ साथी केन्या में भी। सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दो दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने इलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले सवा साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली चार शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पे मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनके मेन जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था, जिसने हमारे रिमांड के दौरान तमाम चीजों को बताया था। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा मैनेजमेंट अजरबैजान से बैठकर देखता था, किसने सुपारी लेनी है, किसको धमकी देनी है, कैसे हथियार सप्लाई होंगे और कैसे शूटर्स को तैयार करना है। यह सब काम सचिन बिश्नोई सात समंदर पार बैठकर जेल के अंदर बैठे लॉरेंस बिश्नोई के लिए करता था। अब आपको बताते हैं कौन है सचिन बिश्नोई और कैसे ये अपराध की दुनिया में इतना फेमस हो गया। वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताता है और दावा करता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसका मामा है। अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताने वाला सचिन मूसेवाला की मौत को लेकर कई दावे कर चुका है। यहाँ तक कि सचिन बिश्नोई नाम की एक फेसबुक आईडी पर इसकी हाथ में बंदूक लिए तस्वीर भी शेयर हुई थी, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। वो टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर ये दावा कर चुका है कि वो सिर्फ इस हत्या में शामिल ही नहीं था, बल्कि उसने ही मूसेवाला को मारा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को विक्की मधुखेड़ा के मर्डर का बदला बताया जाता है। दावा किया जाता है कि
कि सचिन बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला, जिस गांव का लॉरेंस बिश्नोई भी है। सचिन बिश्नोई का असली नाम सचिन थापन है, जबकि उसके पिता का नाम शिवदत्त। सचिन बिश्नोई का नाम चर्चा में उस वक्त आया जब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हुआ। 29 मई 2022, यह वो तारीख थी जब मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी। उनकी गाड़ी को घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के थे। हत्याकांड कितना भयावह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम में सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। यानी हत्यारे किसी भी कीमत पर मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर आने वाले दिनों में बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने ही सचिन बिश्नोई का पासपोर्ट बनवाया था और उसे विदेश भेज दिया। सचिन थापन देखिए लॉरेंस का करीबी है, उसके गाँव का है, और एक तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है इंटरोगेशन की। जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिसपे सिद्धू को चेस किया गया वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो चारों शूटर थे एक मॉड्यूल में और दो दूसरे में थे, वो वारदात के बाद अलग अलग बंट गए, और जो जिगरूप रूपा थे और मनप्रीत मानू था वो अलग चले गए, और AK-47 और पिस्टल उनके पास कुछ रह गए जो उनके पास वो कैरी कर रहे थे। जो बाकी चार लोग थे जिसमें दीपक मुंडी था, अंकित सिरसा था, प्रियव्रत फौजी था, कशिश केशव था, तो ये अलग हो गए। इनके वेपन जो थे वो रोहित गोदारा के पास गए, तो रोहित गोदारा का भी इसने जो वेपन उसको गए उसके बारे में भी सचिन ने बताया कि इसने ये जो वेपन हैंडलिंग वाला पार्ट भी इसने ऑर्गेनाइज किया था, पिचिन किया था। इसके अलावा अभी तो अर्ली स्टेज ऑफ इंटरोगेशन है, जो कोई चीज सामने आती है और जो हम पब्लिक डोमेन में आपसे शेयर कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। अब बात करते हैं विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ की। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों में विक्रम बराड़ का नाम टॉप 5 के अंदर शामिल है, जिसे यूएई से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही विक्रम बराड़ भी राजस्थान से है। विक्रम बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ पहुंचा। यहां उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके बाद वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU से जुड़ गया। यहीं उसकी मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई से। छात्र राजनीति से दोस्ती हुई और फिर दोनों ने अपराध की दुनिया में एक साथ कदम रखा। विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ का पकड़ा जाना लॉरेंस बिश्नोई को परेशान कर सकता है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में विक्रम बरार ने गोल्डी बरार की मदद की। लॉरेंस तो उस समय जेल में था, लेकिन उसके इशारे पर हत्याकांड की पूरी साजिश विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने रची थी। जांच एजेंसियां ये खुलासा कर चुकी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला चैनलों के माध्यम से विक्रम बरार को कई बार उगाही की रकम भेजी थी। गैंगस्टर विक्रम बरार का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी सामने आ चुका है। काला हिरण केस में दबंग खान लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के टॉप 10 टारगेट में शामिल है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था सलीम खान और सलमान खान का भी मूसेवाला की तरह हाल हो। धमकी भरी इस चिट्ठी में LB यानी लॉरेंस बिश्नोई और GB यानी गोल्डी बरार भी लिखा था। विक्रम बरार ने संपत नेहरा के साथ लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और उसके घर की रेकी भी की। ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई के दो खास गुर्गे पुलिस गिरफ्त में। ऐसे में आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो ये थी
गैंगस्टर सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।